दोस्तों अगर आपका रेयर ब्रेक काम नहीं कर रहा है तो चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए, क्योंकि डिस्क ब्रेक में कभी कभी डस्ट आ जाता है, क्योंकि डिस्क ब्रेक जो है वो टोटली ओपन है, तो डिस्क ब्रेक में डस्ट आ जाता है, कभी ऑयल लग जाता है, कभी पानी लग जाता है। उसकी वजह से डिस्क पैड्स होते हैं वो थोड़े चिकने हो जाते हैं, उसमें मेटल पार्ट चिपक जाते हैं, डस्ट चिपक जाता है, उसकी वजह से जो डिस्क होता है जब आप लगा रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं तो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो कैसे उसको क्लीन करते हैं वो देखते हैं, तो चलिए जानते हैं। रेयर व्हील ओपन करना बहुत ही ईजी है। 24 नंबर का ये आपको सॉकेट चाहिए एंड एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। स्क्रू ड्राइवर आपको दूसरी तरफ बोल्ट के साइड में यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ताकि वो रोटेट ना करे। एंड इसको मैं जिनका भी रेयर डिस्क प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो उनके लिए ये बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। डिस्क पैड जो है उसको कैसे निकालते हैं पहले बता देता हूँ, है ना। निकालना तो बहुत इजी है उसको। दोनों के दोनों पैड, डिस्क पैड जो है वो निकल चुके हैं। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही चिकने हो जाते हैं, ये जो है चिकनाहट इसके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से डिस्क जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। तो ये आपको सैंड पेपर से, ये जो सैंड पेपर आप देख रहे हैं, ये सैंड पेपर आता है 150 का, ठीक है। ये सैंड पेपर से आपको इसको रब करके जिसकी चिकनाहट है वो पूरी निकालनी होती है। तो मैं सामने करके दिखाता हूँ कैसे। ये दोनों के दोनों आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चिकने हो चुके हैं। आप देख सकते हैं शाइनिंग इस पर दिखाई दे रहा होगा आपको, चिकने हो गए। तो इसको हमको सैंड पेपर से अच्छे से लेके इसको जिससे कि ऊपर वाला जो मेटल पार्ट है ऊपर निकल जाए। कितने ही मेटल जो डिस्क प्लेट होती है उसका मेटल जो होता है इस पर चिपक जाता है। अब जो आप देखेंगे किसी चिकनाहट जो है थोड़ी कम हो चुकी है, इसके बारे में मैं देख रहा हूँ। तो ये जो कंपनी का आता है थोड़ा हार्ड भी आता है, तो उसके वजह से थोड़ा सा ज़्यादा आपको एकदम इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, मगर जो मेटल पार्ट है स्टार्टिंग में ऊपर जो है वो निकल जाता है। तो आप इसको फिट करते हैं। दोनों को मैंने एमरी पेपर मार दिया है, अब मैं इसको फिट करने वाला हूँ। और सेम आपको डिस्क जो डिस्क है उसको भी क्लीन कर देना अच्छे से, सोपी वाटर से क्लीन कर दीजिए। फिर उस पर एक प्लेन कपड़ा मार दीजिए, इधर से वो साफ़ हो जाएगा। तो उससे आप अपने जो रेयर व्हील है उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, उसका डिस्क जो है वो प्रॉपरली वर्क हो। चलिए फिट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया वो कैसे क्लीन करते हैं। इसको क्लीन करना बहुत ही ईजी है। डिस्क पैड निकालिए, जस्ट उसको रब करिए सैंड पेपर से, जिसको एमरी वर्क बोलते हैं, एमरी वर्क सैंड पेपर से क्लीन करिए। दैट सेट खत्म हो गया, ठीक है। तो ये करना बहुत ईजी है। जब भी सर्विस कराएं तो ये एक बार क्लीन करना चाहिए। एवरेज 3000 किलोमीटर पे एक बार अपना जो डिस्क पैड्स हैं फ्रंट और रेयर दोनों के एक बार क्लीन करिए, ताकि वो जो चिकनाहट है उसके अंदर से निकले और आपका जो ब्रेक है वो थोड़ा सा प्रॉपरली लगे। तो ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, देखते रहिए बुलेट गुरु। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स आते रहेंगे। कमेंट सेक्शन टोटल ओपन है। अगर इसमें कोई आपको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं तो जरूर बताइए।